हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है आज के एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBI की इंटरनेट बैंकिंग कैसे चालू करते हैं, वो भी बिना ATM कार्ड के। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिना ATM कार्ड की इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करते हैं और क्या है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें अपने ब्राउज़र पर आ जाना है, आपका कोई सा भी ब्राउज़र हो। तो फिलहाल मैं अपना क्रोम ब्राउज़र पर आ गया। यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑनलाइन SBI, फिर आपको ये सर्च कर लेना ऑनलाइन SBI लिख के। फिर आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन वेबसाइट आ गई है। फिर आपको इस पर SBI पर क्लिक कर देना है। फिर SBI पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको यहाँ पर देखेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, फिर आपको इस पर भी ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है और यहाँ पर अपना CIF नंबर देना है। पासबुक पर जो लिखा होता है CIF नंबर वो देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना ब्रांच कोड देना है। यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ से आपको अपने फुल ट्रांजेक्शन, लिमिटेड ट्रांजेक्शन या व्यू राइट, तो हम यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना कैप्चा देना है, जो भी है जैसा है वैसा ही। कैप्चा देने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल भर ली है, हम इस पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, वो OTP को यहाँ पर आपको डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। अगर दोस्तों आपके पास ATM कार्ड है तो आपको पहले बारे पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको करना है आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड एक्टिवेशन बी ब्रांच ओनली। फिर आपको इस पर सबमिट कर देना है। अगर दोस्तों आपके पास ATM कार्ड है तो सबसे पहले वाले पर, अगर ATM कार्ड नहीं है तो नीचे वाले पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर अपना एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी। फिर आपको फिर कंफर्म लॉगिन पासवर्ड, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। हमने यहाँ दोस्तों अपना अल्फाबेट में पासवर्ड सेट कर लिया है, हम इस पर आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। ऐसे ही हमने सबमिट पर क्लिक किया तो दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसा आया, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुल एक्टेम। तो दोस्तों हमारी ये सक्सेसफुल हो गई और हमारा ये टेम्परेरी यूजर नेम है और ये रेफरेंस नंबर है। और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड PDF पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर लेना है। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, हमने यह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको द ब्रांच मैनेजर का नाम देना है यहाँ पर, और यहाँ पर डेट देनी है, और आप यहाँ पर अपनी सिग्नेचर करनी है, यानी कस्टमर सिग्नेचर करके, और ये बैंक में जमा कर देना है। और दोस्तों 7 दिनों के अंदर आपकी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।